আমাদের ভারতবর্ষে কি আমার ভারতবর্ষ মে আমার ভারত সংস্কৃতি কা কোই উল্লেখ নেই কেসে হো সকতা হে কেসে হো সকতা হে আমার ভারতবর্ষ মে আমার ভারত সংস্কৃতি নষ্ট হো যা রহা হে খতম হো যা রহা হে নষ্ট হো যা রহা হে উসকো হম লোগ কেসে আচ্ছা করে हाँ मैं तो बंगाली हूँ लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। अब भाई सुनो क्या जो जो दिल्ली का लाल किला है कौन साइड में होगा? क्या आप कहाँ से आए? मैं विकासन से आया हुआ। बेंगलुरु है क्या? हाँ भाई ये बोलो। ठीक ठीक उस साइट में जाओ, उस साइट में से इधर मोरो लेफ्ट साइड मारो, लेफ्ट साइड से राइट साइड जाओ। अभी ठीक है तुम लोग क्या बोलो भाई, तुम लोग ऐसे बात करते हो हमारा इंडिया संस्कृति का कुछ थोड़ा? हाँ ऐसे करते हो जो साठ चरा देश दिख जो तुम्हारा हमारा भारत भाषा भारतीय भाषा जो हिंदी हो बांग्ला हो जो भी हो दिख बोलना चाहिए तो तुम साठ बोले हो, उस साइड इस साइड डेट साइड इनसाइड आउटसाइड ऐसे बोल रहे हो, वो कैसे बात हो? हमारा ऐसे हो रहा है क्या? हमारे भारत भारतवर्ष का जो संस्कृति है खत्म हो जा रहा है, इसे कैसे डेवलप करना चाहिए? इंग्रास तो जानते हो, इंग्रास आने से पहले हमारे भारत में जो हमारा था भारतीय भाषा था, और जो मुगल आया था जो इस्लाम धर्मावली आया था बाहर से विदेश से आया था, उसके पहले हमारा भारत का भाषा भारत भारतीय भाषा से थी। जब उसने आया अरबी आया उर्दू आया ऐसा आया, अब जब इंग्रज आ गया तो इंग्रज आके उसको इंग्रज आके ना उस भाषा को मिक्सर कर ले संपूर्ण हिंदी भाषा में बंगाली भाषा में संस्कृत। हमारा तो संस्कृत अभी भारत में हो, हमारा संस्कृत भाषा है, हमारा संस्कृति है संस्कृत, लेकिन कोई भी नहीं मानता। कैसे होगा? आप लोग सब लोग ऐसे बात करेंगे तो हमारा भारतवर्ष का भारतीय संस्कृति का क्या होगा? जिसको बोलो डेथ साइट इनसाइड आउटसाइड ऐसे बोलते हैं। अरे भाई हाँ हम जानते हो इंग्लिश बोलना बहुत जरूरी होता है, सीखना भी जरूरी होता है, लेकिन हमारा भारतवर्ष में हमारा संस्कृति का सम्मान करना चाहिए और हमारा भारतीय भाषा प्रयोग करना चाहिए। ए ज्यादा जा ज्ञान देने वाला है, कहाँ से आया मुझे ज्ञान दे रहे तुम? हाँ कहाँ से आया तुम? भाई क्या बोलू, अच्छा से बोल रहे हो तो अच्छा से तुमको मैं बोल रहा हूँ इसलिए तुम इसे बोल रहे हो। ठीक है देख लो भाई ये क्या है? ओ तेरा ये अभिनय का नाटक का स्क्रिप्ट है ना कि एक्टिंग का स्क्रिप्ट है क्या?
इतना भी करना पड़ेगा एक्टिंग का स्क्रिप्ट है कौन सा? हाँ जो सामने आने वाला है, जो आने वाला है सीरियल, इसका स्क्रिप्ट है। तो उसको एक अभिनय करने बुलाया है और तुझको इसलिए सिलेक्ट किया है और इसलिए तुझे ये जो भी लिखा है इससे तुझे अभिनय करना पड़ेगा। देखो तो कितना हो, हाँ इससे होगा, ये स्क्रिप्ट है तेरा। तो अभी पढ़ ले अच्छे से, याद कर ले और अभिनय भी कर ले। हाँ एक सीरियल करेंगे, इतना भी मेरे को यू नो कि मुझे तो डर लग रहा है, इतना भी मुझे इतना भी याद करना पड़ेगा, इतना भी पढ़ के याद करके, इतना भी पढ़ के याद करके मुझे एक्टिंग करना पड़ेगा। हाँ तो सही रास्ता भी आया। हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो भी ठीक है, ऐसे करते हैं सीरियल, फिल्म, वेब सीरीज जो भी हो, ऐसे जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा इतना बड़ा होगा स्क्रिप्ट लेटर, एक स्क्रिप्ट बुक ऐसे होगा। छोटा सा रोल किया तो छोटा सा करना पड़ेगा, नहीं तो भाई तुझे तो लीक कर दिया गया क्या? हाँ तुझे लीक कर दिया गया, पहला बड़ा तो फिल्म का पहले आते है, रोमांस भी करते है, डायलॉग भी मारते है, फ्यू 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 फाट भी करती है और अच्छे से बोलते भी है, लोगों को इम्प्रेस भी करते है। उसका लीड रोल तुझे दिया गया इसलिए तो उसको इतना बड़ा स्क्रिप्ट दिया गया, तो भी याद कर ले, काल में शूट होने वाला है तो याद करके नाटक कर ले। हाँ भाई मैंने तो किया था छोटा छोटा प्रैक्टिस किया था इतना, लेकिन एक्टिंग का स्क्रिप्ट इतना बड़ा होगा, अरे भाई कितना दिन का शूट होगा ये? ये सीरियल का शूट है ना, 1 ईयर तो होगा, लेकिन 1 ईयर होगा लेकिन रूस नहीं होगा, प्रत्येक दिन नहीं होगा, एक दिन दो दिन चार दिन बाद होगा, ठीक है? हाँ अभी समझ में, लेकिन तुझे तो इतना क्यों तू टेंशन ले रहे है? टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं, तू थोड़ा सा ऐसा सिर्फ क्लियर कर ले स्क्रिप्ट, बाद में ऐसे क्लियर कर ले थोड़ा सा। भाई मैंने तो छोटा किया था, इतना छोटा सा मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था, लेकिन अब सीरियल में चांस आ गया ना मुझे, कितना मजा लगा मुझे सीरियल में लीड मिल गया, क्यों ना कि मुझे लीड करने में मिल गया, लेकिन अब तो मुझे ऐसे लग रहा है क्या बोलो भाई, इतना बड़ा बड़ा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ना पड़ेगा और नाटक भी करना पड़ेगा, जो भी है वो भी अभी एक्टिंग करना पड़ेगा, जो भी वो पड़ेगा तो हम लोग स्कूल में कॉलेज में जो भी पढ़ता है तुम्हें याद कर लिया, वो भी दिमाग में सोच लिया और पट 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 ऐसा बोला, ऐसा नहीं होगा, क्यों ना कि इसका एक्सप्रेशन देखना पड़ेगा, फेस एक्सप्रेशन अरे अच्छे से बोलना, क्या क्या फेस फेस मार रहा है? हाँ भाई फेस एक्सप्रेशन देना पड़ेगा, बॉडी लैंग्वेज भी अच्छा करना पड़ेगा और फाइस एक्सरसाइज फॉर डेडिकेशन, वो भी हमारा
तो वॉइस क्लियर करना पड़ेगा, तो पेस अच्छा होना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा, तो अभी तो एक्टिंग। हाँ अभी तो सही लाइन पे आए, ये भी है एक्टिंग। तो अच्छा अच्छा से स्क्रिप्ट पढ़ ले तो तुझे तेरा काम हो जाएगा, तो भी एक्टिंग भी कर लेगा। इतना पढ़ा दिया गया मुझे, लीड रोल मिल गया, पापी पाविशम। ठीक है तो देखता हूँ। लेकिन मैं तो स्कूल में तो थोड़ा सा लाइन भी याद करने का मुझे बहुत कष्ट उठना पड़ता है, लेकिन अब मैं इतना बड़ा कैसे स्क्रिप्ट में पढ़ूं? जो भी हद देखा जाएगा पढ़ ले, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो सर। समझने की कोशिश करो सर, सरकार बदल रहा है। हाँ मैं तो समझने की कोशिश करता हूँ, अभी समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो सर, सरकार बदल रहा है। अभी कैसे करना पड़ेगा मुझे याद करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। हाँ मैं बोल रहा हूँ समझ, मैं इसे याद कर रहा हूँ। समझने की कोशिश करो सर, सरकार बदल रहा है। आपने के बारे में पढ़ो और समझो, ठीक है? समझने की कोशिश करो सर, सरकार बदल रहा है। टीवी सीरियल में देखा गया है कि पुलिस कुंचा सरकार सरकार में रहने वाला है। बड़े बड़े स्टार लगाते हो कांदा पे, क्योंकि मैं डर जाऊंगा? नहीं, मेरा बड़ा बड़ा हाथ है। ए भाई संसार, इस संसार एक नाटक है। इस नाटक का राइटर भी मैं हूँ, लेखक भी मैं हूँ, परिचालक भी मैं, नायक भी मैं हूँ। कुछ नहीं, संसार में सब कुछ होता है, इस संसार में मोह माया होता है। जिसने भगवान को पुकारा, हे भगवान हे भगवान हे, सच्चे मन से पुकारा, इसने बोला हे भगवान हे भगवान हे नाम हे कृष्ण हे राम, उसको कुछ नहीं होने वाला और वो माया भी नहीं होने वाला, लेकिन सब कुछ होने वाला। उसका अंदर बहुत ताकत होगा और संसार को जैसे भगवान, जैसे भगवान ने मानते हैं संसार एक नाटक है, उस तरफ वो योगी क्यों ना क्यों साधु तपस्वी को ऐसा लगता है कि संसार भी एक मोहमाया है और कुछ नहीं, वो एक नाटक है। अरे भाई उस नाटक का मैं परिचालक हूँ,
मैं ही परिचालक हूँ, मैं ही लेखक हूँ और मैं ही नायक अर्थात अभिनेता। इस वास्तव संसार में नाटक करने वाला मैं ही हूँ। इस संसार कुछ नहीं, सिर्फ मोह और माया है, सिर्फ मोह और माया। संसार में कुछ नहीं है। मेडिटेशन करो तो सब कुछ दिमाग में आ जाएगा। वो क्या है, कोई भी चीज से लड़न नहीं होगा। ऐसे होता है, आप सही चिंता से भगवान को पुकारो, ईश्वर को पुकारो, जिसको बोले एक ही तो है, उसके सामने कोई अलग नहीं। वो हिंदू है, वो मुस्लिम, वो ख्रिस्टान है, बौद्ध है, बुद्ध है, कोई नहीं मायने रखता वो उसके। ये सब एक बात है, वो सत्य है, जिसके पास सत्य है वो उसके पास वो है, ऐसी बात ही। थैंक यू।